और लोकसभा में पहले तो स्पीकर और अब डिप्टी स्पीकर पद पर जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जीत के लिए संख्या गणित नहीं होने के बावजूद डिप्टी स्पीकर पद के लिए दावेदारी ठोक चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि उस नाम को फाइनल किया जा रहा है जो अखिलेश यादव के सबसे खासम खास है। देखिए रिपोर्ट। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। फेवर में से आए ओम बिरला, ए मेंबर ऑफ दिस हाउस, द चूजन एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। पहले लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव और तनाव, अब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए विपक्षी दलों की दावेदारी। रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। इंडिया ब्लॉक में सबकी जुबान पर एक ही नाम की चर्चा है, वो है समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद। फैजाबाद से जीत कर संसद पहुंचे अखिलेश यादव के सबसे खास अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर कैंडिडेट घोषित करने का प्लान हो रहा है। सदन में डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या आपकी पार्टी कोई कैंडिडेट? देखिए, जो अन्य दलों का फैसला होगा, और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं। गैर कांग्रेसी फेम पर मुहर तृणमूल कांग्रेस ने लगाया है। सूत्रों के मुताबिक अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाने का विचार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का है। तीनों दलों को लगता है कि फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद एक अलग तरह के कैंडिडेट होंगे और उनकी उम्मीदवारी एक मजबूत संदेश देगी। क्योंकि अवधेश प्रसाद अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर करीब 50,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर पाए हैं और विपक्ष उनके जरिए देश में अलग संदेश देने की तैयारी कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अवधेश प्रसाद जब से सांसद बने हैं वो अयोध्या में विकास परियोजनाओं पर सवाल उठाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में डंका पीटती थी, हमने अयोध्या में ये किया वो किया, विकास किया, इस पर और उस दीवाल को भी देखा। ये मामले उच्च स्तरीय जांच का है, इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेकर इसको लोकसभा में ही उठाएंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा। सवाल है कि अवधेश प्रसाद के जरिए विपक्ष किस तरह का राजनीतिक संदेश देना चाहता है, क्योंकि तथ्य ये है कि उसके पास इस पद पर जीत के लिए संख्या गणित नहीं है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के तीनों अगुवा नेताओं को लगता है कि फैजाबाद के सांसद को आगे लाकर एक मजबूत सियासी संदेश दिया जा सकता है। इसकी वजह ये है कि फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में ही अयोध्या नगरी पड़ती है, जहां राम जन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर का नव निर्माण हुआ है। 78 साल के अवधेश प्रसाद एक दलित नेता है, फिर भी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से 50,000 से अधिक वोटों से जीते और बीजेपी को हराकर जीत कर आए हैं। इससे पहले स्पीकर पद के चुनाव में इंडिया ब्लॉक में मतभेद सामने आ गए थे। टीएमसी ने पहले कांग्रेस पर बिना आम सहमति के उम्मीदवार घोषित करने का आरोप लगाया था। जब सत्ता पक्ष के उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनिमत से चुनाव जीते तो कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने आम सहमति की भावना का सम्मान करते हुए मत विभाजन नहीं मांगा। लेकिन इस बार टीएमसी ने ही अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाया है, जिस पर अखिलेश यादव की हामी के बाद राहुल गांधी का भी समर्थन तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और लगभग दो दशक बाद पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की लाइफलाइन मानी जाने वाली पार्वती कालसिंध चंबल अंतर्राज्य नदी लिंक परियोजना अब मूर्त रूप लेने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बड़ी पहल करने जा रही है और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने रफ्तार पकड़ ली। विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के काम को शुरू किया जा रहा है। ये देश में जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। ईआरसीपी से 13 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। 2 लाख हेक्टेयर का नया कमांड क्षेत्र बनेगा। 9 जिलों में 80,000 हेक्टेयर की कमांड स्थिर होगी। उद्योगों को भी पानी उपलब्ध होगा। संशोधित पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए वरदान है। लिंक प्रोजेक्ट से राजस्थान को 3,677 एमसीएम पानी मिल पाएगा, जो पहले की ईआरसीपी के 3,510 एमसीएम से ज्यादा है। दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का निर्णय सेंटर वाटर कमेटी ने वेरीफाई करके पानी तय किया है। 40,000 करोड़ में 4,000 करोड़ ही राज्य सरकार पर भार आएगा। नए एमओयू के बाद इस परियोजना का 90% खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो, जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले, इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक अलग प्रकार से लिखा जाएगा। ये नवाचार भी है और हमारे अपने देश की संघी भावना का प्रकटीकरण का बहुत बड़ा उदाहरण भी है। दो राज्य लगभग 20 साल से ज्यादा समय से छोटे छोटे इशू को लेकर के बिना बात के कुछ न कुछ कारण से अपने अपने राज्यों के हित होते हैं, मानते हैं, लेकिन राज्यों के हित में हमको और एक निगाह रखना पड़ेगी, वो है देश हित। देश हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता है। अब मध्य प्रदेश सरकार के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संशोधित पीकेसी ईआरसीपी नदियों को जोड़ने की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को आगामी 5 साल में पूरा कर राजस्थान के 22 जिलों की आबादी को अनमोल तोहफा दे सकती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट।